न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करें, कोई भी हम खाद इस्तेमाल करें, डॉक्टर साहब इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अगर हम कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करें, कोई भी वीडिसाइड इस्तेमाल करें, तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स ज़रूर होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। हमने पौधे का एक्सट्रैक्ट लिया, पौधे का अर्क लिया, हम उसे ही स्प्रे कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सबसे जो खूबसूरत बात ये है कि जो हम जिसे बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं या कुदरती तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, उनका यही है कि वो माहौल के लिए भी साजगार है, उनके लिए भी, आपके हालात के लिए भी साजगार है, और आपकी फसलों की भी कुदरती तरीके से बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस ज़मन में जैसे एक मिसाल मैंने ज्वार की दी है, बेशुमार पौधे ऐसे हैं, सरसों में भी ये बहुत सारी खसूसियत हैं, इसके अलावा सूरजमुखी में भी ये खसूसियत है, लेकिन ये पौधा जो कि जिसे हम करिश्माती पौधा या मुरिंगा कहते हैं, जिसे उर्फ़ आम में हमारे पाकिस्तान में सुहाजरा कहा जाता है, इसके अंदर बेशुमार फवायद ऐसे हैं कि जो कि आम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इसका कुछ इलाकों में इसकी जड़ों का, जिसे सुहाजरे की मूली कहते हैं, उसका अचार खाया जाता है, जबकि हमारे जो जनूबी पंजाब है वहाँ इसके फूल पका के खाते हैं। बाकी लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इस पौधे के अंदर क्या क्या खसूसियात है। हम पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये निकला है कि इसके पत्तों का अगर आप जूस निकाल के उसको सिर्फ 3% उसका, जो यानी एक हिस्सा जूस और उसमें 30 गुना पानी मिला के उसको फसलों के ऊपर आप अगर स्प्रे कर दें, उसके बीज को भगो के लगा दें, उसको ज़मीन के अंदर डाल दें, तो आपकी जो पैदावार है तकरीबन हर फसल में 15 से लेकर 40% तक पैदावार में इजाफा हो जाता है। और उन फसलों में जो मौसमी सख्ती हैं, जैसे हमारे बारिश नहीं हुई या ड्राउट आ गया, फिर उसके अलावा अगर कलराठी ज़मीनें हैं उसके अंदर उसके आ गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई या बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ गया, इन सारी मौसमी सख्तियों के लिए भी वो पौधों के अंदर बेपनाह मुदाफ़त देता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक कुदरती ज़रिया है। ये हमने पूरी रिसर्च करके देखी कि जितने भी एक हमें सिंथेटिक केमिकल या मार्केट में केमिकल ग्रोथ हार्मोन्स के या प्रमोटर के नाम से मिलते हैं, उन सबसे ज़्यादा इस पत्ते का जो जूस है वो ही एज ए ग्रोथ प्रमोटर काम कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, वाकई इसके जो है आपने जिस तरह बताया कि 10 से 40% तक फसल बेहतर हो सकती है, ये तो बड़ा शॉकिंग है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं। हमने आज तक जिन फसलों के ऊपर जिसमें सब्जियाँ भी शामिल हैं, फ्रूट भी शामिल हैं, जिसमें हमारी सारी फसलें गंदम है, चावल है, ये मकई है, सब के ऊपर काम करके देखा है, जो सबसे कम इजाफा हमें आज तक मिला है वो 15% है, कब सबसे कम। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक हमें नजर आया। अब सर अगर 40% तक इजाफा है तो इस पर तो मेरा ख्याल को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, हमने खुद ही पौधा उगाना है, उसका एक्सट्रैक्ट लेना है और स्प्रे करना है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको जूस निकालना पड़ता है, आपको खुद काम करना पड़ता है, यानी आपको सिर्फ काम करना पड़ता है, उसमें एक ढेले का इसके ऊपर खर्चा नहीं है। बिल्कुल, आम सी छोटी सी मशीन है, बल्कि आप जिम्मेदारों ने इसको बड़ा ज़्यादा आसान कर लिया है। वो इसका पूरे दरख्त काटते हैं, काट के उसको कमाद वाले बेलने में डालते हैं और उसका जूस निकाल लेते हैं। लोग तो 30-40 लीटर निकाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़मींदार हमें बता रहे हैं कि हमारे अब काटन की फसल बेहतर हो गई है, हमारी अब चावल की बेहतर हो गई है, हमारी गंदम की बेहतर हो गई है, तो इसका सिर्फ जूस निकालना है, उसको पानी डालना है और उसको स्प्रे कर देना है। अब जो नया तरीका जो ज़मींदारों ने हमें फीडबैक दिया है, तो वो स्प्रे करने की बजाय अगर ज़मीन के अंदर डाल दें या फर्टिगेट कर दें तो वो भी एक बेहतरीन तरीका है, वो इसके स्प्रे से भी ज़्यादा वो इफेक्टिव है। माइक्रो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर 40% तक इंक्रीज़ है फिर मैं तो इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट ही कहूँगा। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा भी इसके कोई इस्तेमाल हैं? पहली तो ये बात है कि इसको हम न्यूट्रिएंट तो ये ज़रूर देता है, लेकिन जिसकी वजह से ये ग्रोथ के इजाफा दे रहा है वो ग्रोथ हार्मोन है। सही। वो इसके अंदर, क्योंकि वो बॉडी थोड़ी तादाद में भी चाहिए और ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो इसके इस्तेमाल है, जिसकी वजह से मौजज़ाती पौधा या करिश्माती पौधा कहा जाता है, ये बेहतरीन चारा है। जो जानवर इसको खा लेते हैं उनके दूध में भी इजाफा हो जाता है और उनकी सेहत में भी इजाफा हो जाता है। और वो जानवर अगर गोश्त के लिए पैदा कर रहे हैं तो वो उनकी फैटनिंग भी होती है। अच्छा। फिर ये कि मुर्गियों की खुराक में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आजकल हमारे जो सोयाबीन मील वो बहुत महंगा है, हमें बाहर से इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, या हम अपनी जो मेज़ की फसल है वो सारे का सारा जो मकई है वो मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके पत्तों के अंदर 26% अवेलेबल प्रोटीन है। अच्छा। तो जिस पत्तों के अंदर 26% अवेलेबल प्रोटीन हो, साथ सारे अमीनो एसिड हो, साथ ग्रोथ हार्मोन तो सारे हो, तो हम उसको मुर्गियों की खुराक के लिए काम कर रहे हैं, और उसके जो इब्तदाई नतायज है ना वो बहुत हौसला अफजा है। अगर इसके पत्तों का इसका खुश्क पाउडर जो है ना वो हम उसको शामिल कर दें तो एक मुल्क की ये बहुत बड़ी खिदमत होगी,
बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम जो है इसे बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इसके दो इस्तेमाल और हमें बताया, एक मुर्गियों की फीड में, दूसरा लाइफ स्टॉक बड़े जानवरों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जानवर इसे आसानी से चारे के तौर पर खा लेते हैं या इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या किसी चारे के साथ हमें इसे इस्तेमाल करना पड़ता है? नहीं, इसके पत्ते जो ना कड़वे हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं ना, उतने कड़वे तो नहीं लेकिन ये कड़वे हैं। अच्छा, तो इसके जानवर जो तो जानवर इसे शुरू से खा रहे हैं वो तो इसे खा लेते हैं, लेकिन जो बड़े जानवर जिन्होंने कभी मुरिंगा या सुहांजा के पत्ते नहीं खाए वो इसको मुँह लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर ये है कि उसको थोड़ा थोड़ा रोज़ाना देते रहें कि 3-4 दिन में या ज़्यादातर एक हफ्ते में जानवर आदी हो जाते हैं, तो वो जिम्मेदार जो बता रहे थे उनके जानवर नहीं खा रहे, चंद दिनों के बाद वो भी अब खाना शुरू हो गए हैं और बड़े उनके जानवर भी सेहतमंद हो गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पौधों के तो हमें बताया कि फसल पर अगर स्प्रे की जाए तो तकरीबन 10-40% तक इजाफा होता है, क्या जानवरों में भी इसमें कुछ आपने रिसर्च की है कि दूध में कितनी तक परसेंटेज ज़्यादा होती है जानवर की प्रोडक्शन या गोश्त में कितनी प्रोडक्शन? अभी इसके ऊपर हमारा काम अभी ये शुरू हुआ है, जानवरों के ऊपर हमने अभी शुरू किया है, चारे के तौर पर अभी हमने इसे मुतारफ़ करवाया है, लेकिन जो इब्तदाई हमने तहकीक की उसके मुताबिक जानवरों ने इसे आराम से खाया है और जानवरों का जो दूध बढ़ा है और उनकी सेहत भी बेहतर हुई है, लेकिन अभी वो कितनी उसके ऊपर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। दुनिया में हमें ये डेटा मिलता है कि उसमें लोग 40-60% तक दूध का इजाफा भी लोगों ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, वो इसमें वो डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इनके अलावा भी इसके बेशुमार काम है, बस इसके तिब्बी फवायद बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, इसी फवायद पर हम बात करेंगे, यहाँ मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के।